आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। साकोली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के विधायक बाड़ा काशीवार, इन्होंने अब तक अपने क्षेत्र का विकास ही नहीं किया है। आइए देखते हैं लोगों का क्या है कहना। हम लोग इस वक्त मौजूद है लाखांदूर शहर के पंचायत समिति के सामने। लगभग यह जो लाखांदूर तहसील का यानी जो शहर का इलाका है, यह साकोली विधानसभा क्षेत्र का ही इलाका है। इस इलाके में बाड़ा काशीवार पिछले 5 वर्षों पहले वो विधायक चुन के आए थे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन अभी फिलहाल इस क्षेत्र के कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर नाना पटोले को देखा जा रहा है। ये नाना पटोले वही है जिन्होंने नागपुर लोकसभा क्षेत्र से गडकरी के अपोजिशन में कांग्रेस से लड़े थे और लगभग 1.5 लाख मतों से वो हार चुके थे, कांग्रेस की हार हुई थी उस इसमें। और नाना पटोले पिछले 5 वर्षों के पहले जब वो भाजपा में थे तब उन्होंने यह जो लाखांदूर साकोली विधानसभा क्षेत्र का जो इलाका है, यहाँ से उन्होंने अपने एक मित्र बाड़ा काशीवार को ही यह टिकट दिलाई थी और उन्हें जिताकर भी लेके आया था। लेकिन अभी हाल ही में साकोली विधानसभा क्षेत्र से यहाँ के जो नाना पटोले हैं वो कांग्रेस की उम्मीदवारी पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। तो ऐसी ही जो घटना है और जो स्थिति निर्माण हुई है, इसमें हमने अभी यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि नाना पटोले ने पिछले 10 वर्षों में यानी 2009 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और भाजपा में आए थे और अभी वो वापस कांग्रेस में गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अब लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि 10 वर्षों में नाना पटोले ने अपने क्षेत्र का यानी लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र का क्या क्या विकास किया था। हम उनके कुछ जो शुभचिंतक हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय नाले। संजय नाले जी, आप नाना पटोले के फैन है? नहीं, फैन नहीं हूं उनका। हाँ, तो फिर कैसे आप है, क्या है बताइए, कार्यकर्ता है? उम्मीदवार है। हाँ, वो कांग्रेस का कौन रहता है, बीजेपी का कौन रहता है? अच्छा, अच्छे आदमी देखकर। अच्छा, अच्छे आदमी देखकर। नहीं, मैं सोच रहा था कि हमारा आज का जो प्रोग्राम है लाखांदूर में, खास तौर पर नाना पटोले के जो शुभ चिंतक है, हम उनसे ही चर्चा करने का आज हमने प्रयास किया था, ताकि हम 2009 के जो चुनाव में जब उन्होंने पहली बार यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर देखा गया था उन्हें, उसके बाद फिर उन्होंने लोकसभा लड़ी, तो हम जानना चाह रहे थे कि पिछले 10 वर्षों का उनका जो कार्यकाल रहा वो क्या रहा करके। तो बताइए, 2009 में वो यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे, तो वो 5 वर्षों में उन्होंने क्या क्या किया? क्या यानी विकास? विकास यानी कुछ नहीं किया उन्होंने भी। हाँ, डेवलपमेंट, वो नाली सीमेंट रोड। नहीं, नाली और सीमेंट रोड ये डेवलपमेंट नहीं होता, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, ये डेवलपमेंट का विषय नहीं होता। विषय होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद लोगों को रोजगार और लोगों के सामूहिक दायित्व, ये डेवलपमेंट, ये होते विकास। नहीं नहीं, अभी तक तो यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ, ना रोजगार है। अच्छा, ना ये जो आरोग्य विभाग के वो सुविधा भी कुछ नहीं है यहाँ, वो भी सुविधा नहीं है, रोजगार भी नहीं है, कुछ। अच्छा, भी नहीं यहाँ पे। तो लगभग आपको क्या लगता है कि ये यानी नाना पटोले ने इस क्षेत्र का विकास किया कि नहीं किया? नहीं नहीं, अभी तक तो दो भी आमदार हुए, अभी उन्होंने अभी वो फिर कांग्रेस की टिकट से यहाँ से लड़ रहे हैं, तो आपकी क्या अपेक्षा है उनके साथ कि विकास करेंगे कि नहीं करेंगे? वो विकास तो करना होगा उनको, अगली बार उनको भी रहना है तो। अच्छा, नहीं तो कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं होगा। दर्शकों, हम अभी हम यहाँ के जो विधायक है बाड़ा काशीवार, उन्होंने लाखांदूर का शहर का क्या विकास किया और क्या उन्होंने अभी तक के इस क्षेत्र में रोजगार के साधन मुहैया कराए हैं, इस बारे में कुछ लोगों से हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? विलास सोनपुर। सोनपुर जी, बताइए यहाँ के जो अभी जो विधायक है बाड़ा काशीवार, उन्होंने आपको क्या लगता है कि क्या क्या विकासात्मक कार्य किए? मेरे को तो उसका चेहरा याद भी नहीं है, अभी तक दिखा भी नहीं मुझे। आपको दिखे ही नहीं है? दिखे ही नहीं। अच्छा, आपके इलाके में रोजगार की क्या व्यवस्था है? रोजगार का यहाँ पे, रोजगार रहते तो यहाँ पे कैरम खेल रहती है क्या कोई? अच्छा, रोजगार की व्यवस्था कुछ हो नहीं पाई है। अच्छा, यहाँ जो ये जो भाजपा सरकार है, ये भाजपा सरकार दावा करती है कि हमने लोगों को मुद्रा लोन बांटा है और बहुत सारे मदद की है लोगों को और लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, आपको क्या लगता है कि लोगों को स्वरोजगार मिल चुका है? कोई रोजगार नहीं मिला और ये मुद्रा लोन जो बोल रहे हैं ना। हाँ, ये सब फोकस का मतलब ये क्या बोलते, इसकी झांसा ही है। अच्छा, झांसा ही है, कोई धंधे वाला है, अगर आपको लोन चाहिए तो बैंक के चक्कर लगाओ। अच्छा, लगाओ।
ऐसा ही काम है, ये लाओ वो लाओ। अच्छा, यानी कागज की खाना पूर्ति ज्यादा करवाते हैं बैंक वाले और बैंकों के चक्कर लगाकर चप्पलें घिसवाने का काम करते हैं। बस वही वही। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसी सिचुएशन में अपने जो स्थानीय विधायक होते हैं, इनसे जब लोग मदद मांगते हैं तो उनसे कोई मदद मिलती है क्या उन्हें? वो आते कब है? अच्छा, वो आते नहीं आपके क्षेत्र में? आते भी है, लेकिन बस रोड से चले जाते, हाय हाय हेलो हेलो, बस हो गया काम खत्म। बस इतना ही विषय उनका रहता है? बस कुछ नहीं, आएंगे कई उद्घाटन होगा वहाँ आएंगे, बस नाटक के उद्घाटन के लिए आएंगे। अच्छा, नाटक वगैरह के उद्घाटन। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके गांव में कोई विकासात्मक योजना जैसा पानी की टंकी वगैरह या कुछ वाटर प्यूरिफायर वगैरह या शिक्षा? जो पहले से है बस वही है, उसके ऊपर में कोई नहीं। क्या नाम है आपका? अमरदीप मेश्राम। अमरदीप मेश्राम जी, आप बताइए मुझे कि आप लाखनदुर के ही रहने वाले? मैं तो प्रॉपर यहाँ का हूँ, प्रॉपर रहने वाले, पर एक्चुअली अभी 7-8 साल से मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा, तो वोट कहाँ डालते आप? वोट तो मैंने डाला ही नहीं, मैं वो क्या बोलते वो दूसरा जो नोटा, हाँ नोटा में डाला, नोटा में डाला था आपने वोट। अच्छा, मुझे बताइए, जैसे कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक होते हैं जिनको अपन अपने क्षेत्र की बागडोर संभालने देते हैं, अपना नेतृत्व करने देते हैं सरकार के पास अपनी समस्या लेकर, फिर वो शायद किसानों की समस्या हो या फिर खेती संबंधित समस्या हो, शिक्षा संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, ये समस्याओं को हल कराने के लिए अपन इनको चुन के देते हैं और वो सरकार से लड़ झगड़ करके अपना वो समस्या का समाधान करे। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि बाड़ाकाशी और इस क्षेत्र के विकास में कुछ कम रहे कि कुछ उन्होंने किया है? एक्चुअली अभी जैसे बाड़ाकाशी वार जो आए, हाँ, वो टाइम में तो मैं यहाँ पे नहीं हूँ। अच्छा, और अभी जैसे आया मैं एक महीने से यहाँ पे हूँ अपने एरिया में, हाँ, तो इसके पहले भी कुछ विकास नहीं हुआ लाखनदुर का। अच्छा, और उसके बाद भी विकास नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, अभी जैसे इलेक्शन का माहौल चालू है, अभी चालू हो गया आना जाना नहीं, पर एक्चुअली जो रोजगार है, लाखनदुर राजनीतिक गढ़ माना जाता है ना, वो राजनीतिक गढ़ नहीं है, वो एक्चुअली पता है क्या, जातिवाद के इस पे वो सब हो रहा है। अच्छा, यानी आपको लगता है कि जो अभी राजनीतिक का जो यानी दायरा है, लोग एक्चुअली इस पे नहीं जाते, हाँ, कि आदमी क्या है, कौन आदमी क्या करेगा करके। अच्छा, आदमी ये जाते अभी जैसे नाना भाऊ कितने साल से, 10-15 साल से, हाँ, यहाँ पे है, 25 साल के लगभग उनका ये कार्यकाल, कांग्रेस में थे, हाँ, फिर बीजेपी में गए, फिर कभी अलग से खुद की पार्टी बना के ये किए, हाँ, पर कैसे लोग आखिर आदमी देख के नहीं जाते। अच्छा, जातीय वर्गीकरण, हाँ, बस उस तरह से है, पर एक्चुअली होता कुछ नहीं है। अच्छा, और इतने साल में कुछ हुआ भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आपका एरिया जो है विकास से पिछड़ा हुआ लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, यानी आप जैसा अभी आप 2-4 साल से नहीं रहते थे, तो आपको ये गांव की परिस्थिति जैसी थी वैसी है? वैसी है, बस थोड़ा वो टी पॉइंट का एरिया थोड़ा चेंज हो गया। अच्छा, वहाँ के थोड़े व्यापारी लोग, 2-4 दुकान थोड़े बड़े हो गए। अच्छा, नहीं तो कोई नहीं है, 7-8 बजे आप जाओ मार्केट बंद है। अच्छा, आज तक मार्केट नहीं बना है ना, कुछ नहीं बना है। अच्छा, जैसे वर्षा भी आज जो डेवलप हुआ है, आज लाखनदुर तालुका सबसे बड़ा लाखनदुर तालुका है, हाँ, तो आज लाखनदुर तालुका में खाली तहसील है और पंचायत समिति है, बस इतना ही, इसके ऊपर कोई नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ रोजगार के साधन मुहैया कराने में, रोजगार का साधन करने का काम हम जिनको चुनाव में जीता के देते, हाँ, वो लोगों ने करके देने को होना। जैसे गढ़ बोलते लाखनदुर, हाँ, तालुका, हाँ, तो लाखनदुर तालुके के लोगों को वो काम देने को होना, हाँ, यहाँ कुछ फैक्ट्रिया या कोई भी जो भी है, यहाँ तो फैक्ट्री लगी हुई थी ना, वही तो बंद हो गई ना, बंद हो गई ना, वो बंद होने का कारण क्या था? कारण कैसे, वो प्रफुल्ल पटेल के इन्होंने लाए थे, हाँ, वो जब चुनाव में आए थे, हाँ, वो गिर गए दूसरी बार, हाँ, तो उन्होंने बंद किए हमारे यहाँ। अच्छा, यानी वो गिर गए, बाहर पढ़ने जाता है, यहाँ वो गिर गए, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री बंद, फैक्ट्री बंद कर दी। क्या नाम है आपका? बड़ूशिला। बताइए, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, हाँ, वो यहाँ रोजगार या विकास करने में सफल है कि असफल है? खाली भूमि पूजन है, सरकार मान्यता जो योजना है सम्मान योजना 2000 2-4 काश्तकारों को दिए, बाकी कुछ नहीं मिला। अच्छा, यानी जो किसानों को जो पैसा दिया जाने वाला था वो भी नहीं मिला, वो नहीं मिला, नहीं मिला। हमारे पास में वो दवाखाना है, पशु दवाखाना, हाँ, वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं है। अच्छा, यहाँ का विधायक उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा है। तो आपने जब कभी इस संदर्भ में चर्चा करते हैं तो क्या बोलते हैं वो बोलते बात ही नहीं करते। अच्छा, यानी यहाँ की जो समस्या है उस पर। अच्छा, आपको क्या लगता है सड़कें नालियां और ये जो चीजें बनाते हैं, ये विकास है क्या? नहीं, ये विकास नहीं है, हाँ, अपने को आरोग्य विभाग होना। अच्छा, जब अपन किसान है, हाँ, अपन भैंसा पालते, दूध के जानवर पालते, हाँ, उसके लिए डॉक्टर होना, वो भी नहीं है।
अभी इनकम बनाने जाओ तो पटवाली सम्प पे है, दो दिन का काम चार दिन में जाना है। अब बच्चे के हमारे को इनकम बनाना है, उसका निकालना है। अच्छा। तो 8 दिन के नहीं मिल रहा, स्कूल में बोल रहे 5 दिन के अंदर लाऊं। अच्छा, यानी जितनी भी समस्याएं जो सरकारी यंत्रणा है आप पूरी तरह से कार्यरत नहीं है, नहीं है। तो उस वजह से काफी दिक्कत। अच्छा, ये समाधान के लिए जब भी अपन अगर काशीवार साहब को कभी आप फोन वगैरह लगाए हैं कभी? जी हाँ, उस दिन हमारे 10 भैंसा पानी में गए। अच्छा, तो काशीवार साहब ने बोले हमने कि हमारे भैंसा पानी में गए, तो काशीवार साहब ने बोले तुम उसमें पानी में डाल दिए, अपने आप खुद मार दे। तुम बताओ, हम जब किसान अपने 6 लाख की भैंसा मार सकते हैं क्या? नहीं मार सकते, कोई अपनी क्यों मारेगा भाई, अपनी अपनी रोजी रोटी क्यों बर्बाद करेगा। हाँ, जो एक एक भैंसा 25-25, 30-30 लीटर दूध एक टाइम को देती थी। अच्छा, तो उसके पानी में बह के चली गई थी, पूर्व में सरकार ध्यान नहीं दे रही उसकी। अच्छा, सरकार ध्यान नहीं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि यहाँ अभी कांग्रेस के जो उम्मीदवार है कौन है? वो नाना पटोले घोषित हो चुके हैं, ऐसा हमें जानकारी मिली है अंदरूनी सोर्सों से। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने विकास किया था क्या? विकास नहीं, उसका भी उतना विकास नहीं है। अच्छा, खाली उसका काम है लोगों को इधर उधर घुमाना, विकास नहीं है। यानी वो केवल हमारे हमारे आदमी को काम ही नहीं मिला ना यहाँ के, सुशिक्षित बेरोजगार तो नीचे गांव में घूम रहा है। अच्छा, ये टपरी में वो टपरी में बैठ रहा, काम ही नहीं है ना। अच्छा, यहाँ स्थानीय लेवल पर कोई रोजगार ही नहीं है। अच्छा, किसान कितने दिन काम देगा? 2 महीना 2 महीना देगा, उसके बाद तो काम ही नहीं है। बराबर, ये देखो सब कैसे बैठे, सारे लोग तो बैठे ही दिखे थे। जब हमारे घर में लड़की हमारी पढ़ाई कर रही है, बाहर कर रही है, हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है, क्या करेंगे तो तुम गरीब आदमी। तो ये कॉलेज के संदर्भ में कभी आपने अभी जैसे हाल ही में चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ आप लोगों का कुछ प्लान नहीं बना है कि इन लोगों से ये सारी बात ऐसी है? हमारा प्लान है। हाँ। लेकिन वो जो विधायक है अपने पास, हाँ, वो कभी अपने को जाने नहीं देता, क्यों? अभी ऐसा महफिल में नहीं आके बोलता नहीं ना तुम्हारी समस्या क्या है। अच्छा, घर पर ही बुला लेते हो। हाँ, यानी वो आपको 4 लोगों जो विधायक जो हमने चुन के दिया, उसने 4 आदमी को मिलना क्यों ना कि तुम्हारे को क्या करना है। अच्छा, है कि नहीं? तो अपने घर पर ही बुलाकर चर्चा करते हैं, ऐसी 4 लोगों में चर्चा नहीं कर पाते। तो ऐसी अनगिनत समस्या इस गांव में बनी हुई है। तो जैसा कि आपने अभी मेरे साथ देखा कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो यहाँ की समस्याओं से अवगत तो जरूर है, उनको सारी समस्याएं पता है, लेकिन वो समस्याओं की तरफ खुद होकर स्वयं होकर ध्यान नहीं देना चाहते और यहाँ के लोगों को जैसे है वैसी की स्थिति में उन्होंने छोड़ रखा हुआ है। अपना सावंत आया था, कौन मंत्री था ना? सावंत। हाँ, सावंत अपना शिवसेना, शिवसेना का। उसने पालक में उसने रिबिन काट दिया। अच्छा, वो दवा खाने की। हाँ, ट्रेचर है, रेक्सरे मशीन है, सब कुछ है। हाँ, दवा खाने में। हाँ, उसमें डॉक्टर एक भी नहीं है। अच्छा, डॉक्टर जब किसान जब अपनी गाय लेके जाता है। हाँ, तो वहाँ डॉक्टर नहीं है। एक बार मैंने सोच लिया था। हाँ, बाहर से कुलूप लगा देने का और घर को जाने का। अच्छा, वो वहाँ चपरासी है। हाँ, उसका सोचते क्या। अच्छा, करना बराबर। तो ऐसी कई सिचुएशन ऐसी कई बनी हुई है, वो सिचुएशन के तहत यहाँ के लोगों की कई समस्याएं हैं और वो समस्याओं का समाधान करने में यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो विफल साबित हो चुके हैं। मैं कैमरामैन नीलेश पशिने के साथ निशांत भाई। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम में जाकर आप हमारी खबरें भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद। अरे वाह, लुक हूज हियर, हाई टेक पार्टी, ये मैं हूँ यहाँ का अल्टीमेट प्रोटेक्टर। पर इसको हमसे कौन प्रोटेक्ट करेगा? मेरे पास है ऑल आउट अल्ट्रा। पेश है नया ऑल आउट अल्ट्रा, इसमें है हाई टेक स्मार्ट चिप जो दे 3 प्रोटेक्शन मोड्स, फास्ट एक्शन शाम के तेज मच्छरों के लिए, स्मार्ट एक्शन रात के छुपे हुए मच्छरों के लिए, और टर्बो एक्शन मॉनसून के मच्छरों की फौज के लिए। ऑल आउट अल्ट्रा, भागो! हाई टेक प्रोटेक्शन मेरे हाई टेक सुपर हीरोज के लिए। न्यू ऑल आउट अल्ट्रा किल्स बग्स डेड, प्रोटेक्ट्स योर फैमिली।